हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम चो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। पति की आज छुट्टी है, पति गया है जिम, सोचा कि इस टाइम का जो है फ़ायदा उठाया जाए, फटाफट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए आप सबके लिए। और खासियत ये है कि हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों तक पहुंचा जाए बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। अभी आपको खुशखबरी तो पता चल ही गई होगी कि इंडिया से अभी यूएई के लिए बहुत सारी चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर दिया गया है ट्रैवल के लिहाज से। और अभी भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, ट्रैवल और टूरिस्ट वीज़ा वाले और विजिट वीज़ा वाले जो हैं उनके रूल्स मैंने इससे एक प्रीवियस वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है सारा कुछ जो भी उनको रिक्वायर्ड है। ये जो वीडियो स्पेसिफिक मैं बना रही हूँ वो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको ICA और GDRFA अप्रूवल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, अप्लाई कैसे करना है और किन के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि लोग अभी भी कन्फ्यूज हैं। तो पहले मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ कि ये जो ICA और GDRFA अप्रूवल है वो टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये ICA और GDRFA जो अप्रूवल अप्लाई करनी होती है फ्लाइट से पहले, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स हैं। जैसे मैं अगर हस्बैंड वीज़ा पे हूँ तो उस वीज़ा को भी रेजिडेंट वीज़ा ही बोलते हैं, या मेरे हस्बैंड का जो वीज़ा है वो रेजिडेंट वीज़ा है, या वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं। तो उन वीज़ा वालों को जो अपनी कंट्री में घूमने गए थे या किसी काम से गए थे, वहाँ जाके स्टक हो जाते हैं और उनको अभी वापस ट्रैवल करना है, तो UAE वापस उन लोगों को एंटर करने के लिए गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि उनका वीज़ा वैलिड है या उनके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं या उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स पूरे किए हैं, तो इसलिए ICA और GDRFA अप्रूवल यहाँ पे लागू की गई। अब आप कहेंगे ICA और GDRFA अप्रूवल क्या है? ICA अप्रूवल है आबूधाबी गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्होंने भी आबूधाबी आना है उनको ICA पोर्टल पे जाकर ही रजिस्टर करना है सारा कुछ, अपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट की डिटेल्स, अपने वीज़ा की डिटेल्स वगैरह वगैरह, या अपने टिकट का नंबर, या जिस दिन आप आ रहे हो वगैरह, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगी। GDRFA अप्रूवल जो है वो दुबई के लिए है, दुबई आना है अगर आपको तो GDRFA अप्रूवल आपको चाहिए। आबूधाबी एंटर करने के लिए आपको ICA अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है GDRFA अप्रूवल वाले बाकी जगह भी लैंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ICA अप्रूवल है तो आप दुबई भी लैंड कर सकते हैं। तो दुबई एयरपोर्ट में ICA अप्रूवल वाले आ सकते हैं, लेकिन GDRFA अप्रूवल वाले आबूधाबी लैंड कर सकते हैं या नहीं वो आपको चेक कर लेना चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी वो अलाउ करते हैं कभी वो नहीं करते हैं। तो बेटर ये होगा आप अपनी एयरलाइन से क्लियरली डिस्कस कर लें इससे पहले कि आप यहाँ पहुंचे और बाद में आपको कुछ अलग ही रूल सुनने को मिले, क्योंकि उतरने के बाद दुबई एयरपोर्ट पे आने के बाद रूल्स अलग हैं, आबूधाबी एयरपोर्ट उतरने पर रूल्स अलग हैं। इसलिए ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि अगर आबूधाबी आ रहे हो तो ICA अप्रूवल, अगर दुबई आ रहे हो तो GDRFA अप्रूवल, और दुबई आने वाले लोग ICA अप्रूवल के साथ भी दुबई लैंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि कुछ मिस ना हो आपको बता देती हूँ। पीपल आर ओके, जो लोग भी GDRFA और ICA अप्रूवल लेना चाहते हैं उनके लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक डाल दूंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया है रेजिडेंट वीज़ा होल्डर्स को ही लेनी है, नए वीज़ा वाले, टूरिस्ट वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वालों को इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी अप्रूवल के साथ साथ में जो बाकी के रूल्स मैंने हाईलाइट किए थे कल की वीडियो में कि आपको फ्लाइट से 48 आवर्स पहले PCR टेस्ट करवाना है, वो नेगेटिव होना चाहिए, उसके ऊपर QR कोड होना ज़रूरी है रिजल्ट के ऊपर, अगर वो नहीं होगा तो फ्लाइट पे आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा। 6 घंटे फ्लाइट से पहले रैपिड एक PCR टेस्ट एयरपोर्ट पे होगा, वो भी आपको कराना मैंडेटरी है और वो भी नेगेटिव आना जरूरी है। और यहाँ उतरने के बाद दुबई में अगर आप उतरते हो तो आपका यहाँ पे भी एक PCR टेस्ट होता है, जो मुझे कल मेरे कुछ फॉलोअर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो PCR टेस्ट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई में होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको ख्याल में रखनी है, और इसके अलावा आपको किसी और कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक आर्टिकल भी छपा है इसी चीज़ के ऊपर कि जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स हैं आबूधाबी अगर आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दोनों वैक्सीनेशंस लगे हैं ट्रैवल से 14 दिन पहले आपका ख़त्म हो चुका है, ये नहीं कि आपने दूसरा वैक्सीनेशन लिया और सेकेंड डे ही आपने फ्लाइट ले ली, ऐसा नहीं है। अगर आपके दोनों वैक्सीन कंप्लीट हैं
14 दिन पहले आपके ट्रैवल से पहले ही आपने दोनों वैक्सीन ले लिए थे और उसके बाद अगर आप अबू धाबी में लैंड करते हो तो अब वो 10 दिन का क्वारंटीन उन्होंने आपके लिए हटा दिया है। ऑफकोर्स ग्रीन लिस्ट से अगर कोई वहां पे उतर रहा था अबू धाबी में तो उनके लिए तो वैसे ही क्वारंटीन अब नहीं है, लेकिन अगर आपने दोनों वैक्सीन अपने ट्रैवल से 14 दिन पहले खत्म करके आप फिर अबू धाबी लैंड कर रहे हो तो भी आपको क्वारंटीन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले के रूल अलग थे। पहले आप अगर वैक्सीनेटेड भी थे, अगर आप अबू धाबी में आते थे तो आपको आपके 10 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता था। उसमें आपके रिस्क के ऊपर एक घड़ी लगा देते थे जो ट्रैक करती थी आपकी मूवमेंट को, और जरा भी आप इधर उधर होंगे तो बहुत हैवी फाइन होता था। प्लस बहुत सारे लोगों को टेस्ट वगैरह भी कराने पड़ते थे day 4 पे, पता नहीं day 8 पे, फिर day 10 पे, समथिंग लाइक दैट। तो अब वो सब कुछ हट गया है। अगर आप दोनों वैक्सीन लेके आए हो अबू धाबी में 14 दिन पहले ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी जो मुझे लगा कि आपको बता दूं। बाकी ये रूल्स जो है वो रिमेन्स द सेम। तो जो भी अबू धाबी से जुड़ी हुई चीजें मेरे सामने हैं मैं एक बार रिव्यू कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली अपडेट कर सकूं। बाकी आई थिंक इसी वीडियो में ही मैं एक पॉइंट और हाईलाइट कर देना चाहती हूँ। जो लोगों के क्वेश्चन है ना कि अगर हम बाकी एमिरेट, किसी भी और एमिरेट का हमारे पास वीजा है, मान लीजिए अबू धाबी का, शारजा का, फुजैरा का, अजबान का, कहीं का भी और जगह का अगर आपके पास वैलिड वीजा है, और वैलिड वीजा होने के बाद अगर बाकी अप्रूवल वगैरह आपने ICA, GDRF जो भी आपकी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है अगर आपने वो ली हुई है, टेस्ट अगर आपके हुए हुए हैं पूरे, तो आप क्या दुबई में लैंड कर सकते हो, दुबई एयरपोर्ट यूज कर सकते हो? तो दुबई एक ऐसा एयरपोर्ट है जिन्होंने सारे एमिरेट के लोगों को वेलकम किया है, बहुत फ्लेक्सिबल रूल्स हैं, तो वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं का भी वीजा होल्ड करते हो, आप दुबई एयरपोर्ट पे उतरोगे, आपका पहले वहां टेस्ट होगा 48 आवर्स पहले, फिर 6 घंटे फ्लाइट से पहले वाला टेस्ट होगा, वो सेम है। उसके बाद जब आप फ्लाइट से लैंड करोगे दुबई में, RT-PCR टेस्ट आपका एयरपोर्ट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका रिजल्ट भी बड़ी जल्दी आ जाता है और फ्री ऑफ है, आपको कुछ उसका पे नहीं करना है। उसके बाद अगर आप दुबई एयरपोर्ट से जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आप निकल जाते हो, उसके बाद आप जिस एमिरेट में जा रहे हो बस वो चीज के रूल्स आपको दोबारा एक बार चेक करने हैं अपनी फ्लाइट से पहले। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूं अभी तक के जो रूल्स हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ, आने वाले घंटे में या 10 घंटे में या 2 दिन में क्या रूल्स हो जाएंगे वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि हर जगह की गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन लेती है और रूल्स को मॉडिफाई भी करती है, चेंज भी करती है। तो मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि प्लीज अपनी फ्लाइट पे चढ़ने से पहले आपने एयरलाइन वालों से एक बार कंफर्मेशन जरूर ले लेनी है कि ऐसा ऐसा मेरा कंडीशन है, ये मेरी सिचुएशन है, तो क्या मुझे बेस्ट पॉसिबल करना चाहिए, ताकि आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उतरने से पहले मिल जाए यहां से। ये ना हो कि आप यहां आए फिर आपको रूल्स कुछ और पता चले, फिर आपको वापस भेज दिया जाए या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आपके लिए हो, क्योंकि हर एमिरेट के अपने एंट्री और एग्जिट के रूल्स हैं, खास करके अबू धाबी के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि जब हम यहां पे लास्ट ईयर इंडिया में 5 मंथ स्टक होने के बाद वापस आए थे, तो एयरपोर्ट से जब हम दुबई एयरपोर्ट से निकल के हम लोग अबू धाबी बॉर्डर से अंदर जा रहे थे, तो वहां काफी सख्ती है, वहां पे अलहोसन ऐप भी कई बार चेक करते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, या आपसे पूछा जाता है कि आपका वहां पे घर है, उसका प्रूफ दिखाओ। तो ये सारी चीजें आपको अगर आप दुबई एयरपोर्ट से उतर के अबू धाबी जाते हो, तो मेरा सुझाव आपको रहेगा कि अपना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या कोई भी ऐसा प्रूफ जो ये प्रूव करता हो कि आप अबू धाबी में बेस्ड हैं, आप अबू धाबी में रहते हैं, तो आपको वो रख लेना चाहिए, चाहे वो आपका अबू धाबी का वीजा ही हो, ताकि आप उनको बता सके कि आप वहीं रहते हैं, तो वो आपको बॉर्डर से जाने देंगे। तो ये सारी चीजें आपने क्रॉस चेक कर लेनी है। बाकी जितनी जानकारी आज तक की मेरे पास थी वो मैंने शेयर कर दी है। आई होप दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आपको WHO अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट है वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में सातों के सातों नाम लिए हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ आई कैन हेल्प यू आउट, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, मैं श्योरली हेल्प करूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, हैप्पी ट्रैवल एंड आई टॉक टू यू वेरी सून। गुड बाय।